हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन किचन क्रेविंग्स। आज हम बनाने वाले हैं पनीर की एक हेल्दी सी रेसिपी, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। पनीर कटलेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 कप पनीर, जो कि मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। इससे क्या है कि मिक्सिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते चलते हैं। सबसे पहले इसमें मैं मिला रही हूँ 1 कप बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो। बॉइल कर लिया था हमने आलूओं को, और अब हम इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच ग्रेट किया हुआ गाजर। गाजर का भी सीजन है। मिलाएंगे 2 चम्मच के लगभग हम ग्रेटेड कैप्सिकम। आप ग्रेट कर सकते हैं या छोटे छोटे चॉप कर सकते हैं इनको पीसेस में। ये है रेड कैप्सिकम, ये भी 2 चम्मच छोटा छोटा हमने पीसेस में इनको कट कर लिया है। प्याज अगर आप खाते हैं तो प्याज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच के लगभग हम प्याज इसमें मिला देंगे, जो बारीकी से काटा हुआ है। धनिया चॉप किया हुआ इसमें आप मिला दे रही हूँ। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। 1/2 चम्मच ग्रेटेड मैंने यहाँ पे जिंजर लिया है। 1 हरी मिर्ची को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, काफी अच्छा टेस्ट देती है। अगर बच्चे खा रहे हैं तो आप ग्रीन चिली अवॉइड कर सकते हैं। 1 चम्मच के लगभग चिली फ्लेक्स में डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच इसमें मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। नमक आप इसमें स्वादानुसार डाल सकते हैं, 1 चम्मच से थोड़ा कम मैंने नमक इसमें लिया है। और 1 चम्मच अब इसमें मैं मिला रही हूँ कॉर्नफ्लावर, थोड़ा बाइंडिंग में हमें हेल्प करेगा। वैसे हमने आलू भी लिया है बाइंडिंग के हिसाब से। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें एक डो की तरह रेडी कर लेना है, बहुत ही अच्छे से सबको मिक्स कर लेना है। इस तरह से हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, एक डो की तरह बना लिया है। काफी कलरफुल लग रहा है, काफी इंटरेस्टिंग, और बच्चों के लिए न्यूट्रिशन के साथ साथ बहुत ज्यादा कलरफुल देखने में भी अच्छा रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर बोल में मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है, और यहाँ पर अब मैं ऐड करने वाली हूँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और नमक मिला रही हूँ 1/4 चम्मच, आप अपने स्वादानुसार भी मिला सकते हैं। सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसका एक हम बैटर रेडी करेंगे पानी के साथ में। आप चाहें तो इसमें थोड़ा चिली फ्लेक्स या ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं, पर अभी मैंने सिर्फ नमक ही मिलाया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर एक पतला सा बैटर रेडी करेंगे। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में पानी मिलाइए। इस तरह से देखिए मैंने एक बैटर रेडी कर लिया है। अब तैयार किए हुए इस डो से हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे। आप साइज अपने हिसाब से ले सकते हैं, इतना इतना पोर्शन मैं ले रही हूँ। आप छोटे बड़े अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, और इनके पतले चपटे डिस्क जैसे शेप के बना लीजिए या गोल बना लीजिए। पर क्योंकि हम शैलो फ्राई करेंगे तो हमको डिस्क शेप में बनाना ही इजी रहेगा, और हम कटलेट भी बना रहे हैं तो इस तरह से एक जैसी शेप के आप बना लीजिए सभी कटलेट्स को। इस तरह से हमने सभी को प्रिपेयर कर लिया है। चपटे शेप के अंदर आप अपने मनचाही शेप बना सकते हैं।
जब तक हम इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तक मैंने गैस पे तेल गर्म होने कम गैस पे रख दिया है। अब हम एक एक डिस्क को लेंगे और जो हमने तैयार किया हुआ हमारा मैदा और कॉर्नफ्लावर का बैटर है उसके अंदर डिप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं इनके ऊपर हम कोट करेंगे। अब एक एक हम ले रहे हैं, अच्छे से इन्हें कोट कर लीजिए। बैटर बहुत ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा थिन भी नहीं, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी हुआ है हमारा। एक एक को हम ले लेंगे और यहाँ डायरेक्ट मैंने ब्रेड क्रम्स में इनको डाल दिया है। अब अच्छे से हम इन्हें कोट कर लेते हैं, काफी क्रिस्पी हो जाएंगे। देखिए इस तरह से हम अच्छे से कोट कर लेंगे, सभी को इसी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं। तेल हमारा काफी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब थोड़ा सा मैं मीडियम की तरफ फ्लेम कर दे रही हूँ और इस तरह से हमारे कोट किए हुए जो कटलेट्स हैं उनको मैं तेल में आस्ते से डाल दे रही हूँ। फ्लेम हम मीडियम पे ही रखेंगे, बीच में थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, एकदम लो फ्लेम में रखने से भी ऑयल भर जाएगा इसमें और हाई फ्लेम करेंगे तो बाहर से तो जल जाएगा अंदर से अच्छे से सिकाई नहीं होगी। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम ऑयल डालते जाएंगे। ध्यान से करना पड़ेगा। सब में अच्छी तरह से हम इस तरह से ऑयल डाल देते हैं। इनको सुनहरा होने तक हमें फ्राई कर लेना है। अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं और टर्न करेंगे, अगर ये थोड़े ब्राउन हो गए हैं तो देखिए हल्के से गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं धीरे धीरे। अब हम इन्हें टर्न करेंगे, काफी अच्छा कलर दिया है इन्होंने, बहुत ही कुरकुरे लग रहे हैं। थोड़ा इन्हें आपको बहुत जेंटली करना पड़ेगा टर्न, क्योंकि फिर इनको फटने का भी डर रहता है। अब हमारे कटलेट्स एकदम रेडी लग रहे हैं, दोनों तरफ से ही गोल्डन हो चुके हैं और अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। जेंटली आप इन्हें निकालें और एक टिश्यू के ऊपर इन्हें निकाल लीजिए तो एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा वो आप सोक कर लेंगे उसमें। इस तरह से हमारे कटलेट्स एकदम तैयार हैं। अब मैं नेक्स्ट बैच ऑयल में डाल देती हूँ, वो भी फ्राई होते रहेंगे। फ्रेंड्स रेडी है हमारे वेरी टेस्टी वेरी डिलीशियस पनीर कटलेट, बच्चे भी इसे बहुत पसंद करेंगे और हेल्दी भी ये है, तो इसको इवनिंग टाइम स्नैक्स या टिफिन में भी आप बच्चों के लिए बना सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कुक विद द बेस्ट।